आपको बताते चले कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है वो इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक वीडियो मैसेज जो है वो जरूर लोगों के सामने लाया, और क्या है वो वीडियो मैसेज जरा अभी देखिए। मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है, दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया, और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भुइयारी जमीन क्या, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था, आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब निरीह आदिवासी दलित पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं, संघर्ष हमारे खून में है, और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। साथियों, समय मेरे पास बहुत कम है, बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूं। एक जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं, लेकिन आप अस्वस्थ रहें, हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक नौजवानों के दिल में है, हर एक बुजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा, और जिस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग के सेवा करते हुए, नौजवानों को रोजगार देते हुए, अपने महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने काम किया, रोजगार सृजन को लेकर काम किया, वो एक लंबा इतिहास लिखेगा, एक लंबा लकीर के रूप में मैं इसे आज संभवतः ये इस लकीर को और ना खींचने दे मुझे, लेकिन आप अस्वस्थ रहें, सत्य की कभी हार नहीं होती। ये मुझे जरूर थोड़ा विचलित अभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, लेकिन जब हम अगली लड़ाई के लिए तैयार होकर आएंगे तो इस मजबूती के साथ आएंगे कि दोबारा इस तरीके के षड्यंत्र करने वाले आगे से इस तरीके के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, जोहार, और कल सुबह अखबार के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से संभवतः आप सब लोगों को इस बात की खबर होगी कि आज हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गया, और हमारे जो विरोधी लोग हैं
वो अपने नापाक इरादे पर जो अभी कामयाब हो रहे हैं इस पर अपना पीठ थपथपाएंगे। और मैं जानता हूं झारखंड की जनता काफी संवेदनशील है और कर्मठ है, और हम अपनी ईमानदारी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस लड़ाई में आपका भी पूरा सहयोग मुझे प्राप्त होगा। धन्यवाद, जोहार। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुन रहे थे आप। ये वीडियो उस वक्त की है जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीम जो है वहां पर मौजूद थी। घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उससे पहले ये वीडियो मैसेज उनकी तरफ से रिकॉर्ड किया गया झारखंड की जनता के लिए।